नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नोएडा में महिला ने सुसाइड कर लिया है। 70 साल की बुजुर्ग महिला ने जान दे दी है, 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। एक महीने पहले महिला के पति की मौत हो गई थी। सेक्टर 119 गौर ग्राइंडर सोसाइटी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, एक महिला ने सुसाइड कर लिया है, 13वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी है, और एक महीने पहले ही इस महिला के पति की मौत हुई थी और अब महिला ने भी सुसाइड कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शायद आपने किसी को ट्रेन को धक्का देते हुए नहीं देखा होगा। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा वीडियो जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी देखा जा रहा है, जिसमें कुछ लोग ट्रेन के इंजन को धक्का देकर आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग ट्रेन के डिब्बे को किसी बस की तरह धक्का दे रहे हैं और इंजन धीरे धीरे ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है। लोगों का मशक्कत करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वीडियो बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है। दरअसल बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास नगीना रेलवे फाटक के करीब चांदपुर की तरफ से बिजनौर आ रहा एक टावर वैगन अचानक रेलवे ट्रैक पर खराब हो गया था। इस पर रेल कर्मचारियों को सूचना दी गई। सूचना के बाद रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की गई। काफी देर तक प्रयास के बाद भी जब इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो मौके पर मौजूद रेल कर्मियों ने अपना दिमाग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। इस इंजन की वजह से रूट बाधित ना हो, इसके लिए रेल कर्मियों ने अपनी शारीरिक शक्ति के इस्तेमाल की योजना बनाई। रेलवे कर्मियों ने टावर वैगन को धक्का देना शुरू किया। धक्का देने पर जब वैगन आगे की तरफ हिलने लगा तो रेल कर्मियों का हौसला बढ़ गया। वहां मौजूद सभी रेल कर्मियों ने पूरी ताकत लगाकर इंजन को आगे बढ़ा दिया। रेल कर्मियों ने जमकर मेहनत की और पूरी ताकत के साथ उसे ढकेल ढकेल कर किनारे लगाया। रेलवे कर्मचारियों के मुताबिक अगर इस इंजन को हटाने के लिए कोई रेस्क्यू इंजन बुलाया जाता तो काफी समय लगता। इससे रूट तो बाधित होता ही साथ पड़ोस में बंद पड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर भी लोगों को जाम के झाम से जूझना पड़ता। जनहित को ध्यान में रखते हुए रेलवे कर्मियों ने इंजन को धक्का लगाकर किनारे लगाने का फैसला लिया। इसी दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने रेल कर्मियों का इंजन में धक्का लगाते हुए वीडियो कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अमूमन लोग बाइक, कार और बस को धक्का देकर स्टार्ट करते हैं, लेकिन ट्रेन को धक्का देने के इस अनूठे दृश्य को देखकर लोग अचंभित हो रहे हैं। कई लोग रेलवे की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल रेल कर्मियों की मेहनत से रेल रूट बाधित होने से बचा और लोगों को क्रॉसिंग पर जाम के झाम से भी नहीं जूझना पड़ा। अमरोहा से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। और बाढ़ के कहर की तमाम तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो वाकई झकझोर कर रख देने वाली है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में कई नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं, कई फीट पानी भरा हुआ है। लोग गांव में आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस व्यवस्था के बीच अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कल्पना की जा सकती है कि कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा उस शख्स की जान बचाने में, और कहीं किसी की मौत हो जाए तो हालात कितने विकट हो सकते हैं, इसकी कल्पना करना बेहद कठिन है। लेकिन ऐसा ही एक मामला लखीमपुर खीरी में सामने आया है। फूलबेहर थाना क्षेत्र में बाढ़ से बेबसी की एक ऐसी मार्मिक तस्वीरें सामने आई हैं, जो आपको झकझोर कर रख देगी। दरअसल बसहा गांव के बुजुर्ग रामस्वरूप की बीमारी के चलते मौत हो गई। घर और गांव बाढ़ के पानी से घिरा है, जिसके चलते अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं मिली तो परिजन और रिश्तेदारों ने दो नाव की व्यवस्था की। एक नाव पर चारपाई रखी, चारपाई पर शव रखा और दूसरी नाव पर लकड़ियां और सामग्री लादी।
परिजन करीब 3 किलोमीटर बाढ़ का पानी पार कर तटबंध पहुंचे और मृतक का अंतिम संस्कार किया। शव यात्रा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग बाढ़ से उपजे हालात में पहुंचाई जाने वाली राहत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से लखीमपुर खीरी में शारदा घाघरा मोहना नदियां उफान पर हैं। ऐसे में जिले के 250 गांव फिर से बाढ़ की जद में आ गए हैं। 50 गांव में बाढ़ का पानी भरा है, जिसके चलते ये गांव टापू बन गए हैं। लोगों को अपने जीवन को जीने के लिए भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुँचाने के दावों पर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। रील बनाने के चक्कर में लोग रियल लाइफ को तमाशा बनाने में एक सेकंड भी देर नहीं लगा रहे। हजारों फीट की ऊंचाई पर एक लड़की ने रील बनाने के चक्कर में अपनी जान को खतरे में डाल दिया। रील बनाने की सनक, रियल लाइफ से खिलवाड़, टाटा बाय बाय खात्मा। आजकल सोशल मीडिया पर लोग रील देखना खूब पसंद करते हैं। कंटेंट क्रिएटर कई बार रील बनाने के चक्कर में रियल लाइफ से खिलवाड़ कर बैठते हैं। रील बनाने के चक्कर में कई बार जानलेवा हादसे भी हो चुके हैं। इसके बाद भी लोग रील बनाने और चंद लाइक और फॉलोअर्स के लिए जान जोखिम में डालते हैं। हिमाचल प्रदेश की हरी भरी वादियां और यहां के पहाड़ कंटेंट क्रिएटर्स को खूब पसंद आते हैं, लेकिन कई बार लोग पहाड़ों पर रील बनाने के चक्कर में अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही रील वायरल हो रही है। ये वीडियो चंबा का बताया जा रहा है। इसे एक सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर किया। वीडियो में गिव मी सनशाइन गाने के साथ एक लड़की ढलान नुमा पहाड़ी पर चट्टान के ऊपर खड़ी होकर रील बना रही है। दो बार अपने दुपट्टे को नचाती है और फिर पहाड़ी के ऊपर से दौड़ने लगती है। अभी बमुश्किल 5 कदम ही दौड़ी होगी कि उसके पैर लड़खड़ा गए और पहाड़ी से सीधे नीचे लुढ़कते हुए कई फीट नीचे पहुंच गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लोग इस वीडियो पर कई तरह के कमेंट करने लगे। एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में पूछा, क्या वो जिंदा है? जवाब में दूसरे यूजर ने लिखा कि उसे क्या होगा, उसे क्या चिंता है, बस रील चल जाए। एक अन्य यूजर ने तो हद ही कर दी। उसने लिखा, टाटा बाय बाय खात्मा। फिलहाल युवती की जान बाल बाल बची है। पहाड़ी से गिरने के बाद कई बार पलटी खाकर लड़की कई मीटर नीचे पहाड़ी में जाकर अटक गए, जिससे उसकी जान बच गई। तो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, ये जगह तो आपको अच्छी तरह से याद ही होगी। कल यहाँ पर वीडियो शूट करते करते एक्चुअली मेरा पैर फिसल गया था और मैं यहाँ से धड़ाम से गिर गई थी नीचे की तरफ। और मैं आपको बता दूँ, मैं थोड़ी यहाँ पर नीचे ही थोड़ी रुक गई थी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पैर फिसला था और आपने ये तो देखा ही देखा था, है ना? पहाड़ी से गिरने के बाद भी लड़की को चैन नहीं है। लाइक और फॉलोवर्स की दुनिया में मशगूल लड़की ने खुद को बिल्कुल भी चोट ना लगने की बात कही और कारनामे की दुहाइयां देते हुए वीडियो जारी किया। हाँ, लोग बड़े हंसे कि क्या है, सोचे क्या था, क्या हो गया, बट मुझे कोई चोट नहीं आई। वो मेरे डार्क वीडियो में सोचा शेयर कर देती, उसे मैंने शेयर कर दिया। अदरवाइज मुझे कुछ नहीं हुआ, आप लोग घबराओ मत, सिर्फ थोड़ा सा पैर फिसला और
ये प्लेस इतना डेंजरस नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। देखो कहाँ है ये डेंजरस, यहाँ से मैं गिरी, ये आप खुद देख सकते हैं। इस तरह के ढलानदार पहाड़ियों पर रील बनाने से कुछ फॉलोअर्स और लाइक्स तो मिल सकते हैं, लेकिन जोखिम उससे कहीं ज्यादा है। हल्का सा भी बैलेंस बिगड़ने पर सीधे यमराज के दर्शन हो सकते हैं, इसलिए ऐसे लोकेशन पर रील ना ही बनाए तो बेहतर रहेगा। अगर रील बनाने के लिए मन मचल ही जाए तो सावधानी जरूर बरते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। और सहारनपुर से हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बेकाबू थार ने पहले खड़ी कार और बाइक को टक्कर मारी, उसके बाद महिला को टक्कर मारी और महिला के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी। लोगों ने महिला को खींचकर बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार गाड़ी नाबालिग चला रहा था और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। घटना नवीन नगर की है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये थार कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और कार के पीछे जबरदस्त टक्कर मार दी। सहारनपुर की तस्वीरें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी में घाघरा सरयू नदी पूरे उफान पर है। लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तराई क्षेत्रों में सैकड़ों गांव नदी के आगोश में समा चुके हैं। एक सरकारी स्कूल भी नदी में डूब गया है, जिसका वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। स्कूल की बिल्डिंग भरभराकर गिर पड़ी। घटना काजीपुर गांव के प्राइमरी स्कूल की है। तो बाढ़ बारिश के कारण किस तरीके से जो इमारतें हैं वो धराशायी हो रही हैं। बाराबंकी में इसकी तस्वीर सामने आई, जहां पर एक प्राइमरी स्कूल भरभराकर गिर गया। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिस कारण नींव कमजोर हो रही है, मिट्टी का कटान हो रहा है। और ये प्राइमरी स्कूल आप देखिए किस तरह जमीन खिसकी पानी के साथ और फिर ये इमारत भरभराकर गिर पड़ी। घाघरा सरयू नदी का कटान लगातार जारी है, लोग दहशत में हैं। प्रशासन पहले ही अपील कर चुका है कि वो थोड़ा दूर जा कर के शिफ्ट हो जाएं, इन इमारतों को, आसपास बने मकानों को खाली कर दें, वरना ये खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक सरकारी स्कूल किस तरह नदी में समाया, ये तस्वीरें सामने आई हैं। और मिर्जापुर में लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गंगा का पानी इस समय चेतावनी बिंदु के नज़दीक पहुंच चुका है। बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित मल्लेपुर और हरसिंहपुर गांव हैं। किसानों की पूरी फसल डूब गई है। किसानों का कहना है कि बाढ़ की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं बस्तियों में रहने वाले लोग खौफजदा हैं।